आप सभी का स्वागत है। गणेश चतुर्थी की आप सभी को शुभकामनाएं मेरे और मेरे टीम के तरफ से। ईश्वर आप सभी को खुश रखे और आप स्टॉक मार्केट में काफ़ी अच्छा काम कर सको। देखिए, बात करते हैं निफ्टी के बारे में और बैंक निफ्टी के बारे में। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में देखिए, जो लेवल में आपको बता के गया था कि मैंने बोला था इस जगह कि जब भी मार्केट देखे इस जगह 38,400 को देखे ऊपर की साइड अगर ये ब्रेक करता है, यानी इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो मार्केट में एक अच्छी तेजी हमको देखने को मिलेगी। और आज के दिन अगर आप देखोगे तो जिन लोगों ने देखे इस लेवल पे सीई बाइंग किया, उनको अगर आप देखो तो जबरदस्त प्रॉफिट बनता हुआ दिखाई दिया। देखिए, हमको कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि मार्केट एक जगह 300 से लेके 400 पॉइंट का मूव आपको देते हुए दिखाई देगा, लेकिन अगर आप देखोगे तो आज के दिन इसने जो हाई मारा वो इस जगह अगर आप देखोगे तो 39,600 के समथिंग का हाई मारा, यानी नीचे के लेवल से अगर आप देखोगे तो जबरदस्त प्रॉफिट इसमें बनता दिखाई दिया, जो कि कहीं ना कहीं देखिए 1100 पॉइंटों का देखिए प्रॉफिट इस जगह बनते हुए दिखाई दिया। देखिए, जे लेवल में आपको सभी को देखिए अपने टेलीग्राम चैनल पर भी मैंने आपको बताया था, यूट्यूब चैनल पर भी मैंने आपको बताया था, लेकिन अब सवाल आता है कि अब कहां पे बाइंग करना चाहिए। अब देखिए, इसका लॉजिक भी क्या था। मार्केट में अगर आप देखोगे तो ये एक दिन देखिए काफी बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली और मैंने आपसे ये भी बोला था कि जब भी मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा तो हमको देखिए इस लेवल पर आपको पीई भी बाइंग करना है, ठीक है, और नीचे की साइड हमको सीई भी बाइंग करना है, यानी दोनों तरीके पर देखिए हमारा पैसा बनाए। इस लेवल पे अगर आपने सीई बाइंग किया तो पैसा बनाए, इस लेवल पे अगर आपने पीई बाइंग किया तो पैसा बनाए। देखिए, आज का वीडियो का लाइक हम सबसे पहले रखते हैं इस जगह कि अब की बात देखिए 1100 पॉइंटों की तेजी आई है, तो 1100 पॉइंटों का ही हम इस जगह लाइक रखते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इसको देखिए लाइक को फॉलो करोगे बिल्कुल। सबसे पहले मैं आपको ये भी बता देता हूं कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर क्या बता के गया था। देखिए, इस जगह अगर आप देखोगे तो 30 अगस्त का जो आपको बताया था, काफी सपोर्ट आप सभी ने किया है, तो इसके लिए आप सभी को थैंक यू और मैं इसको प्ले करता हूं। और तीसरा अटेम्प्ट इसी प्राइस पे, यानी जो प्राइस जो आपको दिखाई दे रहा है, जो प्राइस है 38,400 का, ठीक है, यानी मार्केट इसके ऊपर नहीं जा पा रहा है। देखिए कैसे, ये आपका एक प्राइस है, ऊपर मार्केट गया, सेलिंग आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर सेलिंग आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर सेलिंग आया। अब अगर इस प्राइस को ऊपर की साइड ब्रेक करता है तो हम इस लेवल पे क्या कर सकते हैं, सीई बाइंग करके चल सकते हैं। यही चीज हमको कहां पे दिखाई दे रहा है, इस लेवल पे दिखाई दे रहा है। तो अगर मार्केट इस प्राइस को ऊपर की साइड पार करता है तो कहीं ना कहीं हम एक तेजी में काम कर सकते हैं और मार्केट इस प्राइस के आसपास जाता हुआ दिखाई दे सकता है, जो आपका ऊपर वाला दिखाई दे रहा है। तो हम तो इसमें देखिए हमने बात किया था कि मार्केट अगर देखिए 38,400 को अगर पार करता है तो 38,900-38,800 के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं, यानी 400-500 पॉइंटों की हमको तेजी पता था, लेकिन मार्केट ने बहुत ज्यादा इस जगह देते हुए दिखाई दिया। चलिए बात करते हैं कि बड़े चार्ट पे बड़े पैटर्न किस तरीके से आपको देखने को मिलते हैं। तो बड़े चार्ट पे देखिए बड़े पैटर्न एक अच्छा ब्रेकआउट हमको दिखाई दे रहा है और इन ब्रेकआउट के बारे में देखिए मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी पब्लिश किया था, बिल्कुल फ्री है टेलीग्राम चैनल, जो अपडेट मैंने किए थे लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, उस जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, और फ्री डीमैट अकाउंट के भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अब देखिए आज की तेजी में देखिए मुझे सबसे अच्छा क्या लगा, जी सबसे पहले मैं आपको बताता हूं। देखिए आज की तेजी में सबसे पहले तो अगर आप देखोगे तो मार्केट ने इस जगह इस लेवल को ब्रेक किया है, जो कि आपका 39,400 का जो लेवल था इसको ब्रेक किया है और इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है, यानी इसकी क्लोजिंग अगर हम बात करें तो 39,535 के समथिंग की इसकी क्लोजिंग आपको दिखाई दे रही है, यानी अपने हाई लेवल पे क्लोजिंग देते हुए दिखाई दिया। आपका लो देखिए, देखिए लो से अगर आप देखो जबरदस्त तेजी, और जितनी भी तेजी हमको देखने को मिली, ये तेजी आपको कहाँ पे देखने को मिली है, स्क्रीन पे देखने को मिली है। तो इसका बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, जब भी मार्केट स्क्रीन पे तेजी देता है उसका बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, क्योंकि देखिए गैप से क्या होता है कि गैप से ओपनिंग हो जाता है तो आपको बेनिफिट नहीं देखने को मिलता, लेकिन इसमें सभी लोगों को सीई बाइंग करने का मौका मिला, सभी लोगों को जबरदस्त प्रॉफिट बनाए। अब देखिए अब नया मूव हमको कैसे देखने को मिलेगा, तो अब इसमें एक रेजिस्टेंस हमको देखने को मिलता है, इसका हाई, यानी इसका हाई अगर आप देखोगे तो ये हमको रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, यानी अब की बार मार्केट में जब भी तेजी आपको देखने को मिलेगी जब 39,600 को ऊपर के लेवल पर पार कर देगा, यानी अपने हाई के ऊपर निकाल देगा। अब देखिए कैसे निकालेगा, ये मैं लॉजिक आपको समझाता हूं, बिल्कुल ध्यान से देखिए। मार्केट ऊपर गया,
कंसोलिडेट किया, थोड़ा कंसोलिडेट किया और फिर अपने हाई लेवल को निकाल दिया। यानी जो आपका जे वाला जो लेवल आपको दिखाई दे रहा है ना, इसको ऊपर की साइड निकाल दिया, तो इसमें हम क्या बाइंग कर सकते हैं, हम सीई बाइंग करके चल सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था। देखिए कभी भी इग्नोर मत कीजिए कि कितनी तेजी आ सकती है, आज के दिन आपने देख लिया जबरदस्त तेजी आ सकती है, तो इग्नोर नहीं करना चाहिए कभी मार्केट को, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सभी लोग कहाँ पे फंसे भाई, नीचे की साइड फंस गए, क्योंकि उन लोगों ने पीई बाइंग किया था। ऐसा नहीं करना चाहिए, लॉस हुआ होगा, अच्छा खासा लॉस हुआ होगा। अगर आपने बाइंग भी किया तो आपको एसएल फॉलो करना था। अब देखिए इसमें टारगेट क्या होगा कि अगर जब भी मार्केट आपका 39,600 के ऊपर निकलेगा तो हमारा टारगेट क्या होगा। तो सबसे पहले टारगेट की बात कर लेते हैं, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहला टारगेट तो देखिए जो आपको देखने को मिलेगा वो 39,700 रुपए का देखने को मिलेगा। दूसरे टारगेट की बात करें तो एक जगह मैं आपको दिखाना चाहूंगा, दूसरा टारगेट जो होगा वो 39,820 का होगा। और लास्ट टारगेट में आपको बिल्कुल फाइनल टारगेट बताना चाहूंगा 40,000 का। मुझे उम्मीद है कि आपकी बात 40,000 देखने को मिलेगा और जो मार्केट के लास्ट टारगेट इस जगह देखने को मिल जाते हैं। कि आप सभी के नॉलेज के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब मैंने ऑप्शन चेन ओपन किया है जो कि 1 सितंबर का है। जिस दिन मार्केट आपका ओपन होगा उसी दिन एक्सपायरी आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए आपको काम कैसे करना है, इसको डेटा को आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, देखिए डेटा कैसे देखा जाता है। अभी मैंने क्या बात किया, मार्केट में अब जो रजिस्टेंट आपको देखने को मिलते हैं वो कहाँ पर देखने को मिलते हैं, यानी अब रजिस्टेंट पॉइंट आपका कहाँ पर है। तो सबसे बड़ा रजिस्टेंट पॉइंट तो आपको 40,000 का देखने को मिलता है, ये आपका रजिस्टेंट पॉइंट है 40,000 का, ठीक है। यानी मार्केट इस जगह कहीं ना कहीं आपको, लेकिन अगर ये करंट प्राइस है यानी आपका जो करंट प्राइस है 39,600 अगर उसके ऊपर निकलता है तो कहीं ना कहीं 300 से लेके आपको 400 पॉइंटों की और तेजी देखने को मिलेगी। इतनी तेजी तो आपको देखने को मिलेगी, यानी इसके ऊपर हम सीई बाइंग करके चल सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि भाई नीचे हमको देखिए सेलिंग कहां तक देखने को मिल सकती है या हमारा सपोर्ट कहां पे है। तो अगर मैं आपको एक चीज बताऊं ना कि आपका बहुत मजबूत आपका देखिए पहला सपोर्ट, तो आपको अगर मैं बात करूं तो इस जगह पहला सपोर्ट तो देखिए आपको जो देखने को मिल जाता है 39,30 का, ठीक है, 39,300 का आपका जो पहला सपोर्ट है। और सबसे मजबूत जो सपोर्ट मुझे दिखाई देता है वो 39,100 का दिखाई देता है। यानी मार्केट अगर नीचे भी ओपन होता ना तो आपको तैयार रहना है क्या बाइंग करने के लिए, नीचे की साइड सीई बाइंग करने के लिए, वो भी मैं आपको चार्ट पर बता दूंगा, ठीक है। तो यानी ऊपर रेजिस्टेंस आपका जो हो गया, नीचे सपोर्ट आपका जो हो गया, आपका देखिए सेकंड नंबर का जो सपोर्ट है और फर्स्ट नंबर का आपको जो सपोर्ट दिखाई देता है, ठीक है। ये ऑप्शन चेन के डेटा से मैंने आपको बताया, क्योंकि यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छे सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं। और देखिए अगर आपने चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, टेलीग्राम चैनल बिल्कुल फ्री है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। डीमैट अकाउंट नया ओपन करना है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिससे आप हमारे पेड ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। देखिए इस जगह आप देखिए सबसे अच्छी बेनिफिट आपको मैं चीज़ इस जगह बताना चाहूँगा, मार्केट ने देखिए यहाँ पे क्या किया है। और मैंने ऐसा क्यों बोला आपसे कि मार्केट अपने हाई लेवल को निकालता है जब भी हम बाइंग करके चल सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे तो मार्केट देखिए इस लेवल को 2 बार टच किया 30 मिनट के चार्ट पे। अभी जो मैंने चार्ट ओपन किया ये 30 मिनट का चार्ट है, 2 बार टच किया इस लेवल को जो कि 39,600 को आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। जो हमने बात किया क्योंकि यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस जो पॉइंट आपको दिखा रहा है, ठीक है। मान लीजिए कि मार्केट में एक सेलिंग के साथ गिरावट आपको देखने को मिली, मार्केट नीचे ओपन हो गए मान लीजिए, तो आपको बहुत मजबूत जो आपको सपोर्ट दिखाई देता है ना वो इस जगह देखिए नीचे वाले लेवल पर जो कि 38,900 का, ये आपका बहुत मजबूत सपोर्ट है। मान लीजिए कि मार्केट अगर आपका देखिए 500 से लेके 600 पॉइंट आपका नीचे ओपन हो गया, कुछ भी हो सकता है, ऐसा मत समझिए कि मार्केट आपका मूव नहीं दे सकता। आज दिया ना, उससे पहले भी दिया था ना, मार्केट इतना तो नीचे गया ही था, किसी ने सोचा था कि भाई इतना नीचे जाएगा और इतना नीचे जाएगा, ठीक है। कितना गया था इस टाइम, 700 से लेके 800 पॉइंट गया था, ठीक है, उससे डबल मूव दे दिया मार्केट ने, किसी ने सोचा था नहीं सोचा। तो आप ये सोचिए कि अगर मार्केट नीचे मिलता है तो इस लेवल पे भी हम सीई बाइंग करके चल सकते हैं, यानी नीचे के लेवल पे भी हम सीई बाइंग करके चल सकते हैं। अब उसका लॉजिक मैं आपको इस जगह समझाता हूँ कि देखिए ये लेवल है, मार्केट नीचे आया, नीचे आने के लिए देखिए कंसोलिडेट किया और फिर ऊपर निकल गया, यानी कैसे निकला, अपने हाई के ऊपर इस जगह निकल गया, ठीक है, अपने हाई के ऊपर निकला। तो हाई के ऊपर निकलने के बाद हम क्या बाइंग कर सकते हैं, सीई बाइंग करके चल सकते हैं, ठीक है। यानी कंडीशन हमारा इतना सा ही है कि जो कैंडल बनेगा मार्केट में वो आपका देखिए इस लेवल के नीचे नहीं जाना चाहिए जो कि
900 का, इस लेवल के नीचे नहीं जाना चाहिए, बस कंडीशन इतना सा है तो हम इसमें सिक्की बाइंग करके चल सकते हैं। एक एक चीज मैं आपको बताता हूँ इस जगह। फिर देखिए हमारा टारगेट क्या होगा, तो पहले टारगेट की हम बात कर लेते हैं इस जगह। पहला टारगेट तो देखिए 39,000 का ही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि साइकोलॉजी लेवल है भाई। दूसरा टारगेट की बात करें तो देखिए 39,150 का देखने को मिलेगा, और लास्ट टारगेट की बात करें तो इस जगह 39,300 का लास्ट टारगेट देखने को मिलेगा। जो लेवल मैंने आपको वो बताए हैं जब मार्केट आपका नीचे के साइड आपको मिलता है, यानी नीचे के लेवल पर मिलता है, तो घबराने वाली बात नहीं है, नीचे के लेवल पर बाइंग कीजिए। आप देखिए इस लेवल पर आज के दिन, जैसे मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी पब्लिश किया था, कल यूट्यूब पे भी बोला था कि नीचे की साइड आप बिल्कुल सिक्की बाइंग कीजिए, लेकिन लोग करते क्या है कि भाई ऊपर की साइड पिक्की बाइंग करने वाला लेवल होता है, जो कि मैंने आपको बताया देखिए कितना जबरदस्त सेलिंग आई, नीचे के लेवल आपका सिक्की बाइंग करने वाला होता है, तो लेवल टू लेवल चलिए पैसा बनता है। देखिए सेलिंग कैसे करना है, सेलिंग का मैं आपको बहुत अच्छा तरीका एक जगह बताता हूँ, बिल्कुल सिंपल सा है, और एक स्टॉप लॉस भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए सेलिंग करने का बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि आप इस जगह देख सकते हो। सबसे पहले तो अगर आप देखिए कि मैं कंडीशन बताता हूँ, मार्केट जो लेवल है, मार्केट आपका फ्लैट ओपन हुआ है, ना तेजी या मंदी कुछ भी आपका इस जगह नहीं दिखाई दे रहा, फ्लैट ओपन हुआ है। फ्लैट ओपन होने के बाद ये नीचे की साइड चला जाता है, किस लेवल के नीचे जाता है, इस जगह मैं लिख देता हूँ 39,400 के नीचे चला जाता है, यानी जो आपका कैंडल बना है, इस जगह जो कैंडल बना है, ओपनिंग आपका ऊपर दिया है, फ्लैट ओपन हुआ है, और क्लोजिंग आपका नीचे दे दिया है, किस कैंडल के नीचे दे दिया है, 39,400 के नीचे दे दिया, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम क्या बाइंग कर सकते हैं, इस कंडीशन में हम इसमें पीई बाइंग करके चल सकते हैं, यानी हम पीई की पोजीशन इस जगह बना सकते हैं। इसका लॉजिक समझाता हूँ, देखिए जिन लोगों को थोड़ा नॉलेज है ना, तो उनको पता होगा कि जो रजिस्टेंस होता है, देखिए यहाँ पे जो रजिस्टेंस है, जे रजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, आज भी इसमें रजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा था, यानी जो रजिस्टेंस होता है वो आने वाला क्या हो जाता है, सपोर्ट हो जाता है, और ये आपका क्या हो गया, सपोर्ट हो गया। अगर मार्केट इस लेवल पर हुआ है और इस सपोर्ट को ब्रेक करता है नीचे की साइड, ठीक है, नीचे की साइड ब्रेक करता है, क्योंकि मार्केट देखिए एक बिल्कुल फ्लो में, क्योंकि देखिए मार्केट आपका एक तेजी में ऊपर की साइड गया है, आप अगर आप देखोगे तो बिल्कुल तेजी में गया, एक भी करेक्शन इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस जगह अगर आप देखोगे वन करेक्शन आपको इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। अगर जो इसको नीचे की साइड ब्रेक करता है, देखिए मैं कह रहा हूं नीचे की साइड ब्रेक करता है, जब भी हमको सेलिंग करना है, और इसमें जो आपको फिर इस जगह प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी ना, कम से कम इस जगह आप मान लीजिए कि 300 से लेके 450 पॉइंटों की आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन कब करना है, जब मार्केट इस प्राइस के नीचे जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो आपका इस जगह सपोर्ट बना है, अगर वो सपोर्ट ब्रेक होता है तो सेलिंग से आपको एक प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है, लेकिन इस लेवल के नीचे ही। स्टॉप लॉस क्या होगा, एसएल क्या होगा, एसएल आप इसको मान के चलिए कि आपका एसएल जो होगा, अगर मार्केट इस जगह 39,600 के ऊपर निकलता है तो इसके ऊपर आप निकल जाइए, फिर आपके जितने भी जो भी पुट की पोजीशन है, या आप होल्ड करके भी गए हो, या मार्केट ऊपर ओपन भी हुआ है, तो अगर मार्केट इसके ऊपर निकल रहा है तो आपको पीई में नहीं रहना है, यानी अगर आप पीई बाइंग किए हो तो नहीं रहना है, ठीक है। आप पीई कब बाइंग या होल्ड कर सकते हो, जब मार्केट इसके नीचे ट्रेड कर रहा है, इस लेवल के नीचे, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझाया सेटअप, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ फिर से कि मार्केट इस जगह 39,000 इस जगह 400 के नीचे जाता है, तो मार्केट में हम इस जगह पुट बाइंग करके चल सकते हैं। क्या करके चल सकते हैं, पुट बाइंग करके चल सकते हैं। फिर हमारा टारगेट क्या होगा, तो टारगेट की बात कर लेते हैं। पहला टारगेट तो देखिए इस जगह मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कि बिल्कुल सीरियस है, 39,300 का। दूसरा टारगेट आप देखिए इस जगह 39,200 का। लास्ट टारगेट हम साइकोलॉजी टारगेट रखेंगे, जो कि 39,000 का, 400 पॉइंट का आपको बिल्कुल इस जगह टारगेट आपको देखने को मिल जाता है ऊपर के लेवल से। देखिए बड़ी तेजी और बड़ी मंदी की बात करते हैं, तो देखिए बड़ी तेजी तो मैंने आपको बता के रखा है कि बड़ी तेजी आपकी जब ही आएगी मार्केट, जब मार्केट आपका इस जगह 39,600 के ऊपर निकलेगा, आपकी बड़ी तेजी आएगी, फिर आपको पुट में नहीं रहना है। मंदी आपकी जब आ सकती है हल्की फुल्की, जब मार्केट इस जगह 39,400 के नीचे जाता है। इस कंडीशन में क्या है, जे कंडीशन में इसको ब्रेक करता है तो ऊपर जाएगा, ठीक है। इस कंडीशन में जो है कि मार्केट इसके नीचे जाता है तो मार्केट सेलिंग में कर सकता है। बाकी सभी लेवल मैंने आपको बता ही दिए। आज का लाइक का टारगेट है 1100 लाइकों का, तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इसको पूरा करोगे। और टेलीग्राम चैनल का लिंक तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसपे निफ्टी बैंक निफ्टी के अपडेट आप सभी को दिए जाते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।